students and welcome to Best Learning Classes. In this video, we are going to discuss question number 25 of the chapter Admission of a Partner. सारे question हम proper concept के साथ समझते हुए चल रहे हैं and proper playlist बनी हुई है जिसका link description में है. आप जाके एक एक question check कर सकते हैं students. इस video में हम question number 25 को discuss करेंगे जिसमें बोला हुआ है कि आयुष और आरुषि partners हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. उन्होंने नवीन को पार्टनरशिप में एडमिट किया है. उसको कहा है कि तू हमारी पार्टनरशिप में आ जा, हम तेरे को 1/4 शेयर देंगे. कितना देंगे? 1/4 शेयर देंगे. गुडविल भी हमें निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसके लिए बोला हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सी इट इज़ रिटन सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट लिखने से ही हमें ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है. नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 बता रखा है. आगे कह रहे हैं एवरेज नेट प्रॉफिट 20,000 का है. तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है. एवरेज प्रॉफिट 20,000 का बता रखा है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी 50,000 की बता रखी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% बता रखा है. वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय नवीन. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. ये वाला क्वेश्चन सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आएगा जो कि गुडविल वाला चैप्टर अच्छे से करके आया है. ठीक है, तो क्या आप सोचोगे कि मैम ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे दी? एवरेज प्रॉफिट बता दिया, कैपिटल इन्वेस्टेड बता दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज बता दिया, ये सब क्यों बताया गया है? तो उसका रीज़न है जो कि मैं अब एक्सप्लेन करूँगी. और देखो बोला हुआ है, ध्यान से देखना, उन्होंने ये बोला है कि नवीन कितना गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा. ठीक है, तो एक एक करके चलेंगे, एकदम से सब कुछ नहीं समझाऊंगी. सबसे पहले जो मेरे को फर्स्ट चीज़ दिख रही है कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है और पढ़ के मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके मुझे गुडविल निकालनी है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लियर और हम उसी से ही अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. तो अगर मैं देखूँ तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज. फिर से डाउट आ रहा हो कि ये कैसे पता लगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड है. तो क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है सेकेंड लाइन में गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिससे कि मुझे समझ में आया. अब मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 3 क्वेश्चन में गिवन है बट मेरे पास सुपर प्रॉफिट नहीं है. तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन था बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है. तो देखिए किस तरीके से सीक्वेंस चली. सुपर प्रॉफिट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ हुआ. तो ये हम पढ़ के ही आए थे कि ये 3 स्टेप हम लगाते हैं और इन 3 स्टेप से हम गुडविल निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू. तो पहले इतना क्लियर करते हैं देन फाइनल आंसर कैसे निकलेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट ऐसे ही करा, मुझे कैपिटल इन्वेस्टेड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% की बता रखी थी. तो जैसे कि अगर मैं परसेंटेज हटा दूँ तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. तो 5,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास आ गया. एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे 20,000 का बता रखा था और नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने 5,000 का निकाल लिया. तो सुपर प्रॉफिट 15,000 का आ गया. अब अगेन मैं वही कहूँगी, ये फॉर्मूले उस बच्चे को नहीं पता होंगे जिसने गुडविल का चैप्टर नहीं किया है. तो देखो अब क्या हुआ, गुडविल का चैप्टर अलग था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर अलग है, बट देखो उसी का पूरा एक मेथड यहाँ यूज़ हो रहा है. तभी तो सीक्वेंस चल रही है ना, तो सीक्वेंस वाइज चैप्टर कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, है ना. तो अगर अब हम गुडविल निकालेंगे कैसे, सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था. तो 45,000 रुपीज़ की गुडविल आ गई. अब मेरी बात का ध्यान रखना, गुडविल जो है वो पूरे की पूरे फॉर्म की है. इसमें पहले से आयुष और आरुषि हैं और अब एक नया पार्टनर नवीन एडमिट हो रहा है और नवीन को वो लोग एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए. तो देखो अब क्या होता है, मान लो मेरी ना एक बहुत अच्छी फॉर्म बनी हुई है. तो अगर मेरी एक जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है और अगर कोई पर्सन उसमें पार्टनर बनना चाहता है, अगर कोई पर्सन उसमें पार्टनर मेरा कोई फ्रेंड है और अगर वो उसमें पार्टनर बनना चाहता है, तो भाई मैं उसे क्या कहूँगी कि तू बने बनाए बिजनेस में पार्टनर बन रहा है, तो पैसा तो तू कमाएगा क्योंकि इस बिजनेस की रेप्यूटेशन है, गुडविल है. तो तू मुझे पैसे तो दे कि मैंने इतने सालों से जो काम किया
जैसे 3 साल यहाँ पे हमें बताया हुआ है, तो मैंने उसमें गुडविल कमाई है, तो तू मुझे उसके थोड़े से पैसे देगा? ये तो नहीं है कि फ्री में आ जाएगा और फर्म की गुडविल का भी फायदा उठाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो भी पार्टनर नया एडमिट हो रहा होता है फर्म में, उसको कहते हैं कि तू हमें कुछ गुडविल का प्रीमियम देगा। समझ में आया? अगर आप एक रेप्यूटेड फॉर्म में एंटर हो रहे हो तो आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो अब ये क्या करेगा, ये 45,000 पूरे के पूरे थोड़ी ना पे करेगा, पूरी की पूरी फॉर्म इसकी थोड़ी है। इसको आप 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो ना, तो ये सिर्फ कितना गुडविल का प्रीमियम देगा अपने शेयर का, दैट इज 11,250 रुपीज़ ये हमें प्रीमियम पे करेगा। समझ में आया? तो ये तो मैंने आपको बहुत मतलब वैसे समझाया कि आप याद रखें। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल का प्रीमियम लेके आता है, ठीक है? और गुडविल का प्रीमियम कितना लाएगा, जितना उसका शेयर है सिर्फ उतना लाएगा। समझ में आई ये चीज़? तो इतना सा ये क्वेश्चन था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।